हुकूमत को चाहिए कि वो हमें अमन की नसीहतें करने के बजाय हमसे अमन की नसीहत ले, हमसे अमन का सबक सीखे। हुकूमत अमन पसंद हो, हुकूमत अमन के दाइयों की हिमायत करे और पुष्ट पनाही करे तो यह पूरा इलाका खत्ते अमन बन जाएगा। और इसलिए बरादरान मैं एक बात कहूंगा कि शायान अली आप जितने मजबूत होंगे, जितने ताकतवर होंगे, इतना आपके लिए भी अमन है, दुनिया के लिए भी अमन है। और जहां शिया कमजोर होगा वहां पर न सिर्फ शियों के लिए खतरा है, वहां पर हुकूमती अफसरों के लिए भी खतरा है, वहां टूरिस्ट के लिए भी खतरा है, वहां हर शहरी के लिए खतरा है, वहां सुकूनों के लिए भी खतरा है, वहां पर सुकून डायनामिक्स उड़ा दिए जाते हैं जहां शियान अली नहीं होते। वहां तालीमी इदारों को इस तरह दबा किया जाता है और हुकूमत दहशतगर्दी के एक्ट हम पर नाफिज करती है, उन दहशतगर्दों पर नहीं। हुकूमत बताया, जैसे जनाब मोहतरम सलीम साहब ने, प्रोफेसर सलीम साहब ने बताया, फरमाया कि 88 और उससे पहले से अब तक कहां था, किस पर दहशतगर्दी का एक्ट लगा, अपने हुकूक के लिए किसी किस्म का मुतालबा करने की जरूरत नहीं करेंगे, यह हुकूमत की भूल है। हमें गिरफ्तार करें, हमें जेलों में डालें, हमें सूलियों पर चढ़ाएं, हमें किसी चीज की परवाह नहीं। हम सलीबों पे चढ़े, हम सलीबों पे चढ़े, जिंदा गड़े फिर भी मरे, हम सलीबों पे चढ़े, जिंदा गड़े फिर भी मरे, वादी मर्ग भी मंजिल का है उम्मीद बनी, शब के सफाक खुदाओं को खबर हो कि न हो, जो किरण कत्ल हुई शोला खुर्शीद बनी।